तो ही गाइज आ गया एक और प्यारा सा वीडियो लेकर गाइज, जिसमें आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज देख सकते हैं आप लोग होम स्क्रीन पर, काफ़ी ज़्यादा बवाल सा लग रहा है गाइज यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कैमरा वाला पिक देख सकते हैं गाइज यहाँ पर, एंड यहाँ पर पोज देख सकते हैं गाइज, कुछ इस टाइप का पोज है। आप लोग किसी भी पोज में आप लोग मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे गाइज यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आप लोग को इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा मेरे जान। एंड चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं अपने ओरिजिनल पिक पे आ जाएंगे गाइज। एंड ओरिजिनल पिक पे आने के बाद गाइज यहाँ से यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके गाइज इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपशीट में। तो स्नैपशीट में आने के बाद गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को टूल्स वाला आइकन दिखने देख सकते हैं। एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग को डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग डिटेल पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रक्चर को आप लोग को 50 के करीब में एंड यहाँ पे शार्पनिंग को आप लोग को 100 के करीब में रख कर यहाँ से राइट कर लेना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं राइट के, तो राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद गाइज यहाँ से टूल से फिर से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ट्यून इमेज में आ जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग के यहाँ से ट्यून इमेज में आने के बाद गाइज यहाँ से ब्राइटनेस को आप लोग को 40 के करीब में इंक्रीज कर लेना है एंड कंट्रास्ट को आप लोग को माइनस कर लेना है। एंड यहाँ पे सेचुरेशन को 50 के करीब में एंड यहाँ से एम्बिनियस को आप लोग को बढ़ा लेना है गाइज अपने फोटो के हिसाब से। हाईलाइट को आप लोग को 100 माइनस कर देना है। शेडो को आप लोग को 40 या 50 के करीब में रख लेना है अपने फोटो के हिसाब से। एंड यहाँ से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद देख सकते हैं गाइज यहाँ पे, एंड इतना होने के बाद आप लोग को फिर से एक बार और टूल्स पे क्लिक करना है मेरे जान। एंड टूल्स पे आने के बाद गाइज यहाँ पे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड सिलेक्टिव पे आने के बाद मेरे जान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपने फेस पे के ऊपर। एंड यहाँ से ब्राइटनेस एंड सेचुरेशन को आप लोग को डाउन कर लेना है। ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड यहाँ पे सेचुरेशन को डाउन करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर से सिलेक्टिव पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ आप लोग को फेस पे ब्लैक एंड रेड दिखे तो आप लोग को सेम प्रोसेस करना है। ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड यहाँ पे कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक दिख रहा है मेरे तो। एंड यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करके आप लोग को ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे एंड कंट्रास्ट सेचुरेशन को आप लोग को माइनस करेंगे तो आप लोग का फेस वाइट हो जाएगा गाइज, एक लेवल में हो जाएगा देख सकते हैं आफ्टर बिफोर। तो गाइज इतना होने के बाद गाइज यहाँ मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर कर इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं मेरा फोटो सेव हो चुका है। मैं गैलरी के अंदर दिखा देता हूँ गाइज यहाँ पे, तो देख सकते हैं मेरा फोटो है। इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं पहले फोटो रूम में। आप लोग को बैकग्राउंड कटआउट करना है तो आप लोग को फोटो रूम एप्लीकेशन में आ जाना है एंड यहाँ से नेट को डाटा को ऑन कर लेना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन लेकर यहाँ पे ये सारा दिखने को मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड ब्लैक एंड वाइट, तो आप लोग को देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ये दोनों व्हाइट एंड ब्लैक को कटआउट उस पर क्लिक नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट पर क्लिक कर कर इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है मेरे जान। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर सेव कर लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे सेव टू गैलरी ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो मेरा सेव हो चुका है, तो आप लोग को गैलरी के अंदर लेके चलते हैं गाइज यहाँ से। तो देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कटआउट हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हम बनाने वाला है इसी बैकग्राउंड पर। तो आप लोग को इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेना है पिकआर्ट में, शेयर कर लेना है सॉरी गाइज पिकआर्ट में। एंड पिकआर्ट में आने के बाद टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से रिसाइज, रिसाइज को आप लोग तो चेकआउट कर लेते हैं कुछ इस टाइप के रख लेंगे एंड यहाँ से रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से देखना गाइज वीडियो को, एड फोटो पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है गाइज, यहाँ पे सेव मॉडल को एड करना है। एंड यहाँ से मॉडल को एड करने के बाद आप लोग को फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है गाइज। आप लोग को किसी भी टाइप का पोजेस हो तो आप लोग इस टाइप का एडिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम पर तबाही मचा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को मैं डिलीट इरेजर कर दिया हूँ, इरेजर पर क्लिक कर आप लोग तो इतना तो जानते ही होंगे। एंड इतना होने के बाद यहाँ से राइट कर लेंगे बैठा कर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो रूम का आइकन दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को डाटा को ऑन करना है गाइज। यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके आप लोग को डाटा को ऑन करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज। यहाँ से रिमूव आप लोग को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जो चीज़ हटाना होगा उस पर आप लोग को ब्रशेस कर देना है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोटो रूम हटाना है, तो यहाँ पे फोटो रूम का आइकन हटाना है तो यहाँ से ब्रशेस कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे रिमूव का पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे। और आप लोग को सबसे पहली बात तो आप लोग को डाटा को ऑन रखना है, तभी ये काम करता है। एंड देख सकते हैं एक ही क्लिक में मेरा फोटो रूम का आइकन हट चुका है एंड देख सकते हैं आफ्टर बिफोर। और इतना होने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ से वीडियो को स्किप, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है मेरे जान। एंड यहाँ पे आप लोग को एक एक स्टेप को समझना है गाइज। एंड यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग को PNG को ऐड करना है गाइज। तो बहुत सारे बोलते हैं भाई PNG तो मैं ऐड कर लूँगा, तो गाइज आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप लोग को मालूम चलेगा कि आप लोग को PNG किस टाइप का ऐड करना है, किस किसके माध्यम से ऐड करना है गाइज यहाँ पे।
एंड इतना होने के बाद गाइस इसको यहाँ से पहले यहाँ से इसको ऊपर की ओर रख लेते हैं। एंड यहाँ से पावर वाला है जो, तो इस पर आप लोग को फोटो के हिसाब से, फुल फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इतना होने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे जो ये पक्षी है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। कहीं भी आप लोग रख सकते हैं गाइस, आप लोग का पोज जिस टाइप का होगा उस टाइप को आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। एंड इतना होने के बाद गाइस देख सकते हैं कितना बवाल सा लग रहा है इतने में ही। एंड आप लोग को बहुत सारा पीएनजी दिखने ऐड करके दिखाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे कि पीएनजी कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। एंड यहाँ पे ये वाला हाथ को आप लोग को हाथ वाले रख ले लेना है पीएनजी को। एंड आप लोग चाहे तो हाथ को नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, एंड मैं पोज दिया हूँ तो रखना पड़ेगा मेरी जान। एंड यहाँ से ब्लेंडिंग पे आ जाते हैं, एंड ब्लेंडिंग पे आने के बाद गाइस यहाँ से मल्टीप्लाई एंड यहाँ से डार्क कर लेते हैं, सॉरी गाइस डार्कनेट कर देते हैं। एंड यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर यहाँ पे दे सकते हैं। आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम बारीकी से बता रहे हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है मेरे जाने, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग भी कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। इतना होने के बाद गाइस यहाँ से राइट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से राइट कर लेते हैं, देख सकते हैं मेरे जान यहाँ से। एंड यहाँ से फिर से एड वाले फोटो पर क्लिक करके आप लोग को एक पीएनजी ऐड करना है। वो सारा पीएनजी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आई वाला पीएनजी को ऐड करेंगे एंड एक को इरेज कर देंगे एंड गाइस इसको फोटो को जूम कर देंगे एंड यहाँ से पीएनजी पे ले लेंगे एंड इसको अपने आँखों के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। गाइस देख सकते हैं कितना बवाल सा लग रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट करने के बाद गाइस इसका ओपेसिटी पे आ जाता है एंड ओपेसिटी को आप लोग को 70 के करीब रख लेना है मेरी जान, देख सकते हैं गाइस इतना बवाल सा लग रहा है गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ से राइट कर लेते हैं एंड यहाँ पे फिर से आप लोग को दूसरे वाले आँख पे पीएनजी लगाना है गाइस, ये वाला, तो आप लोग को एक पीएनजी को उसी पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड यहाँ से एंड इरेज आने के बाद गाइस आप लोग को एक को इरेज कर देना है यहाँ पे एंड इसको रहने देना है एंड यहाँ से इसको भी यहाँ से फेस के ऊपर छोड़ देना है एंड फोटो को जूम कर लेना है एंड आँखों के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्ट कर लेना है इसको भी, जैसे सकते एक ही बार में बैठ जाएगा गाइज, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ से ओपेसिटी को आप लोगों को 70 के करीब में रख लेना है, दोनों को सेम रखना है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तभी आपका फोटो एक लेवल में दिखेगा एंड यहाँ से बहुत ही बवाल दिखेगा। एंड इतना होने के बाद मेरे जान आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक और पीएनजी ऐड करना है गाइज, यहाँ पे पीएनजी का कमाल है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो सारा पीएनजी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। एंड यहाँ पे ये सारा पीएनजी एंड यहाँ पे जो जो भी पीएनजी एंड यहाँ पे प्रीसेट ऐड करने वाला हूँ वो सारा पीएनजी एंड प्रीसेट आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा गाइज। तो गाइज देख सकते हैं मेरा पी कार्ड का काम फाइनली ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पे आफ्टर बिफोर देख सकते हैं गाइज। एंड यहाँ पे आप दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप पर लेकर चलते हैं गाइज, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं एंड यहाँ से सेव टू पीएनजी पे क्लिक करेंगे मेरी जान। एंड आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड यहाँ से फाइल साइज देखने को मिलेगा, आप लोग को फोटो को देख सकते हैं कितना HD क्वालिटी में बनाया गया मेरा फोटो, देख सकते हैं 14 MB का बनाया है। एंड यहाँ से सेव पे क्लिक कर आप लोग को 14 MB का फोटो को सेव कर लेना है गाइस HD क्वालिटी में। तो आप लोग को पता नहीं होगा तो इस वीडियो को देखकर आप लोग भी अपने फोटो को HD क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे होम आप लोग गैलरी के अंदर आ चुके हैं एंड इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं लाइट रूम में। एंड लाइट रूम में आने के बाद गाइस आप लोग को एक प्रीसेट की जरूरत पड़ेगी जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा गाइज, ये देख सकते हैं ये मेरा इथी वाला पीक है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा प्रीसेट है। एंड प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से बहुत ही हार्ड प्रीसेट है एंड आप लोग को सेम मेरे जैसा एडिटिंग करना है तो इस प्रीसेट की जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक कर यहाँ से कॉपी सेटिंग देख रहा है गाइज एंड कॉपी सेटिंग क्लिक कर आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज। एंड इस पे सारे को आप लोग को टिक कर देना है गाइज, यहाँ से सबको राइट कर लेना है एंड यहाँ से भी आप लोग को ऊपर की ओर राइट कर देना है। एंड अपने फोटो पे आ जाना है गाइज, आप लोग को देख सकते हैं ये अपने फोटो पे आने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है गाइज, आप लोग को एक एक स्टेप बता रहा हूँ। एंड यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना है, तो आप लोग को पेस्ट जैसे सेटिंग करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कितना भौकाल सा मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है, यहाँ पर कलर ग्रेडिंग एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर ग्रेडिंग एंड यहाँ पे फेस भी लाइटिंग एंड यहाँ पे एक लेवल में मेरा फोटो एडिट हो चुका है, आप लोग को देख सकते हैं एक ही क्लिक में। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस फोटो को यहाँ से सेव टू ड्राइव कर लेना है गाइज, यहाँ से फोटो को आप लोग को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है मेरे जान, आप लोग को देख सकते हैं कितना ज़्यादा
प्रीसेट कमाल का था। तो आप लोग भी मेरे जैसे सेम एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइज। तो देख सकते हैं आप लोग होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, एंड इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में गाइज। एंड ये मेरा लास्ट स्टेप है, एंड यहाँ से देख सकते हैं इसको कटआउट कर लेते हैं, एंड यहाँ से आप लोग को पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है गाइज। यहाँ से देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर आप लोग को बहुत सारा पेंसिल देखने को मिलेगा मेरी जान। एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ नया बताने वाला हूँ आप लोग को, देख सकते हैं ये वाला पेंसिल का नाम देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। एंड यहाँ से आप लोग को ये वाला पेंसिल क्लिक कर देना है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर के साइड में 2 नंबर आप लोग को देख रहा है, एंड इस पर क्लिक कर देना। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके गाइज यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं ऊपर में स्मूथ पे क्लिक करना है गाइज। आप लोग को एक एक पार्ट को ध्यान देना है, एंड यहाँ से फॉलो को 3 रखना है, एंड यहाँ से स्ट्रेंथ को आप लोग को 14 रखना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरी जान। एंड इतना होने के बाद गाइज आप लोग को फोटो को पूरा एकदम जूम कर लेना है, अपने दोनों फिंगर से जूम कर देना है। एंड यहाँ से फोटो को यहाँ से हल्के हल्के ब्रश चलाना है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं फेस के ऊपर हल्के हल्के ब्रश चलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का लग रहा है मेरी जान। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को उतना HD क्वालिटी में स्मूथ नहीं करना है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हल्के चला कर ब्रशेस आप लोग को फेस स्मूथ करना है गाइज। यहाँ पे एक एक पार्ट को आप लोग देख सकते हैं गाइज कितना बारीकी से, एंड यहाँ से को कितना मस्त एडिटिंग हो रहा है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आप ही लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और आप लोग मेरे जैसा सेम एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पर तबाही मचाए हल्दी। तो मैं यहाँ से वीडियो थोड़ा फास्ट कर लिया हूँ, तो आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड यहाँ पे ब्रशेस देख सकते हैं गाइज कितना कमाल का ब्रशेस है। यहाँ पे एक कितना HD क्वालिटी में फेस स्मूथ हो रहा है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक पार्ट को आप लोग को आराम से एकदम तेज़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग को एक एक पार्ट को स्मूथ कर लेना है। एंड इतना होने के बाद आप लोग को इस वाला आइकन पे क्लिक करना है ट्रांसफर पे, एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आप लोग को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो एम्प्टी लेयर एड हो जाएगा गाइज, इसको बोलते हैं। एंड यहाँ से आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से कलर वाला क्लिक करके आप लोग को कलर को रेड रखना है गाइज। यहाँ से रेड को सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से आप लोग को फिर से एक बार पेंसिल वाला आइकन को क्लिक कर देना है, गोदाम को खोल लेना है। एंड यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाना है, एंड यहाँ से यहाँ पे आप लोग को थोड़ा नीचे आना है, एंड यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मीडियम ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसका साइज ओपेसिटी आप लोग तो जानते ही होंगे। एंड दोनों फिंगर से जूम कर लेना है, एंड यहाँ पे लिप पे आप लोग को ब्रशेस कर देना है हल्के हाथों से। एंड इतना होने के बाद मेरे जान यहाँ से फिर से उसी पे क्लिक करेंगे गाइज। यहाँ से देख सकते हैं जिस पे आप लोग को टैप करना है उस पे टैप कर आप लोग को जो एम्प्टी लेयर ऐड हुआ है उस पे क्लिक करेंगे। एंड इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से देख सकते हैं उसका ओपेसिटी 100 है गाइज। तो आप लोग को 100 नहीं देखना है, इसको ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देना है अपने फोटो के हिसाब से। तो मैं यहाँ 33 के करीब में रख रहा हूँ गाइज। एंड इतना होने के बाद आप लोग को इरेजर वाला क्लिक कर एंड यहाँ से फॉलो को आप लोग को 13 या 12 के करीब में रख लेंगे, एंड यहाँ से साइज को छोटा कर लेंगे। एंड यहाँ से अपने लिप को एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को इरेज कर देना है हल्के हल्के, यहाँ से साइड से आप लोग को इरेज कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप लोग को इरेज कर लेना है ताकि आपका फोटो एकदम मस्त दिखेगा। एंड इतना होने के बाद गाइज यहाँ से फिर से उसी ले टैप करेंगे गाइज, यहाँ से जो आप लोग एंटी लेयर एड किए थे उस पर टैप कर इस पर टैप कर मर्ज कर लेंगे गाइज इस फोटो को। एंड देख सकते हैं मेरा फोटो एडिट हो चुका है गाइज यहाँ पे फाइनली आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ए वाला आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे 3 डॉट पे, एंड यहाँ से शेयर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज। जैसे शेयर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेव टू ड्राइव, तो आप लोग को सेव टू ड्राइव पे क्लिक करके आप लोग को फोटो को एकदम HD क्वालिटी में सेव करेंगे गाइज। यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा तो आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है गाइज। एंड देख सकते हैं इतना होने के बाद आप लोग को गैलरी के अंदर दिखा देता हूँ गाइज। तो देख सकते हैं गाइज मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है एकदम HD क्वालिटी में, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड भी देख सकते हैं गाइज कितना HD क्वालिटी हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले।